वेलकम टू यूनिवर्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट ईवीएस पेपर वन आने वाले बहुत सारे इम्पोर्टेंट सवाल के बारे में, जो कि बहुत बार पिछले साल के एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। आई एम ए सिल्कवार्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल ओर फ्रॉम मेनी किलोमीटर्स अवे बाई हर स्मेल। तो ये भी एक सवाल हो सकता है, जो कि सिल्कवार्म है, जो कि अपने फीमेल सिल्कवार्म को अपने बहुत सारे दूर की रहने पर भी स्मेल की वजह से वो अपने फीमेल सिल्कवार्म को ढूंढ सकता है। ये भी एक सवाल हो सकता है। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स कैन सी 4 times as far as we can. These birds can see things from a distance of 8 meters. ये भी एक सवाल हो सकता है। ये सिटेट में 2021 जनवरी में पूछा गया सवाल था, कौन सा बर्ड 4 times दूर से देख सकता है चीज को। कौन से बर्ड है ये आपको याद रखना है। बर्ड्स के नाम है काइट से, ईगल से, वल्चर से। एक और सवाल हम देख सकते हैं। इट इज बिलीव दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स, दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स। जो एनिमल सिर्फ रात को ही जागते हैं वो सिर्फ ब्लैक एवं व्हाइट कलर ही देख सकते हैं। अभी देखेंगे कुछ एनिमल के मैसेज, जो कि अपने साउंड के द्वारा, वॉइस के द्वारा जो मैसेज भेजते हैं उसी के बारे में देखेंगे। हाई अप इन अ ट्री लंगूर वार्न्स अदर ऑफ डेंजर्स लाइक टाइगर, लियोपार्ड। द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग ए स्पेशल वार्निंग कॉल। अगर लंगूर को लगता है कि कोई डेंजर है तो वो एक स्पेशल वार्निंग कॉल देता है अपने दूसरे दोस्तों को। ये भी एक सवाल आ सकता है। इसके बाद देखेंगे बर्ड्स। बर्ड्स आल्सो गिव अलार्म्स कॉल टू वार्न अबाउट द डेंजर्स। सम बर्ड्स विल हैव डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर्स। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ द एनिमी इज कमिंग फ्रॉम द स्काई और इफ द एनिमी इज ऑन द ग्राउंड। डिफरेंट डिफरेंट डेंजर्स के लिए उनके डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होता है बर्ड के लिए। इसके बाद देख सकते हैं फिशेस, मछली गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू वो अलार्म करते हैं अपने दूसरे मछलियों को। ये भी एक सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। चलो एक और देखते हैं सवाल। इन दिसंबर 2004 फ्यू ट्राइब्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट ऑफ द अंडमान आइलैंड नोटिस्ड दैट एनिमल्स बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर्स, दे गेस्ड सम डेंजर। हम सबको पता है कि एनिमल के पास 6 सेंस होता है। वो एनिमल्स अर्थक्वेक और किसी भी नेचुरल डिजास्टर के बारे में पता लगा सकते हैं। सो 2004 में एक सुनामी हुआ था अंडमान निकोबार आइलैंड में। उसी सुनामी से बहुत सारे एनिमल की वजह से ही बहुत सारे लोगों की जान बच गई। तो ये भी एक सवाल हो सकता है कि सुनामी अंडमान निकोबार आइलैंड में कब हुआ था, बार 2004 में सुनामी कहां हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है स्लोथ के बारे में। इट्स लुक लाइक ए बियर बट इज नॉट, इट इज ए स्लोथ। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स। इसका मतलब है वो 17 आवर्स सोता है। इसके बाद और एक जानकारी इसके बारे में दी गई है। द स्लोथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन व्हिच इट लिव्स। जहां पर वो जो पेड़ में रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाता है। इट मूव्स टू द नियर बाय ट्री। स्लोथ लिव फॉर अबाउट 40 ईयर्स, 40 साल तक रहता है। इन दैट टाइम दे मूव ओनली 8 ईयर्स, 40 साल में सिर्फ 8 ही पेड़ में वो रहता है। इसका मतलब 5-5 साल एक एक पेड़ में वो रहता है। नेक्स्ट देखेंगे सभी जानवर के सोने के समय के बाद। काव, काव का सोने का समय होता है 4 आवर। पाइथन का सोने का समय होता है 18 आवर। जिराफ का सोने का समय होता है 2 आवर। कैट का सोने का समय होता है 14 आवर। ये था सभी जानवर के सोने के आवर के बारे में। ये भी सवाल हो सकते हैं। अभी देखेंगे टाइगर के बारे में। ए टाइगर कैन सी 6 times बेटर द नाइट दैन डे टाइम। इसका मतलब है जो भी हम देखते हैं रात में जिस तरह से हमें दिखाई देता है उसे 6 गुना ज्यादा टाइगर को रात में दिखाई देता है। ये भी हम जानते हैं। इसके बाद एक सवाल हो सकता है। द टाइगर इज
Whiskers are very sensitive and can sense for movement for a vibration in air. They help the tiger move in the dark and find its prey. वो अपने शिकार को ढूंढने में मदद करता है। तो एक सवाल हो सकता है कि सबसे अलर्ट एनिमल कौन है, तो हम लिखते हैं टाइगर। इसके बाद और एक सवाल हो सकता है, ए टाइगर सिंस ऑन हियरिंग टू शार्क दैट इज कैन मेक आउट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द रस्टिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल्स मूविंग इन द ग्रास। अगर कोई एनिमल भी ग्रास में चल के आ रहा है तो उसे पता भी चल सकता है, क्या अगर कोई मेल भी चल के आता है तो उसे वो पता चल जाएगा। अभी नेक्स्ट देखेंगे, द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मेनी अदर एनिमल्स इन आवर कंट्री इज रिड्यूसिंग। हम जानते हैं कि टाइगर एंडेंजर्ड एनिमल है, उनका नंबर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। सो गवर्नमेंट मेक टाइगर प्रोजेक्ट सम प्रोटेक्ट एरिया, जिसे हम नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व या सेंचुरी बोलते हैं। जहां पर एक है जिम कोबेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड एंड घाना इन भारतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। सो मेनी नेशनल पार्क है हमारे भारत में। मैंने पिछले वीडियो में नेशनल पार्क में बारे में वीडियो बनाया है, तो आप जाके देख सकते हैं कि हमारे भारत में किसी किसी राज्यों में कितने कितने नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व है, वहां पर डिटेल में बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, प्लांट्स व्हिच हंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है। देर आर सम प्लांट्स व्हिच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड इवन माइस। द पिचर प्लांट इज वन सच प्लांट्स, इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। पिचर प्लांट कहां पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय। भारत में मेघालय राज्य में पिचर प्लांट पाई जाती है। इट हैज ए पिचर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय लीफ। द प्लांट हैज ए स्पेशल स्मेल that attracts insects to it. When the insect lands on the mouth of the plant, it gets trapped and cannot go out. इस तरह से प्लांट अपने खाद्य को जकड़ता है, अपने शिकार को। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल इनमें से ट्रू और फॉल्स में आ सकता है। पिचर प्लांट कहाँ दिखाई देता है वो भी आ सकता है, और कुछ पिचर प्लांट के बारे में दिया होगा एमसीक्यूज में या पॉइंट्स में दिया होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो बोलेगा कि इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, ये भी आपका सवाल बन सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, अभी हम देखेंगे, ये पिछले एग्जाम में आने वाला एक सवाल था। फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग एगो केम टू टोमेटो, पोटैटो एंड ग्रीन चिली। इसका मतलब है हम जो ग्रीन चिली इस्तेमाल करते हैं, टोमेटो या पोटैटो इस्तेमाल करते हैं, वो कहां से आया है? साउथ अमेरिका से आया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछे जाने वाले सवाल है। कैबेज केम फ्रॉम द यूरोप, काबेज कहां से आया है? यूरोप से आया है। एंड ऑल्सो पी, मटर चने भी यूरोप से आया है। इसके बाद फ्रॉम अफ्रीका केम ए कॉफी बीन, अफ्रीका से कॉफी बीन आया है। एवं ग्रीन भिंडी, ग्रीन भिंडी एवं कॉफी बीन अफ्रीका से हम वो सारे दुनिया में आया है। इसके बाद देखेंगे मैंगो, ब्रिंजल, बनाना, मेथी, स्पिनाच, ये सारे सब्जी हमारे भारत देश में से ही उत्पन्न किए जाते हैं, या भारत देश में से ही सारे देशवासियों के पास वो भेजा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे वेलक्रो के बारे में। दिस हैपेंड इन 1948। वन डे जॉर्ज मेस्ट्रॉल केम बैक फ्रॉम ए वॉक विद हिज डॉग। ही वाज अमाउस्ट टू फाउंड सीड्स स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लॉथ्स एंड ऑन हिज डॉग्स फर। ही वंडर्ड व्हाट मेड हिम स्टिक, सो ही observed the seeds under a microscope. He saw that the seeds had many tiny hooks which got stuck to clothes or fur. This gave Mistral that idea of making velcro. जो कि हम इस्तेमाल करते हैं हमारे जूतों में, बैग में, बेल्ट में, सो वेलक्रो इसी तरह से बनाया गया है। कब? 1948 की यह घटना बताई गई है। किसने बनाया है? जॉर्ज मिस्ट्रल ने बनाए है। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। सूर्यमणि स्टोरी, इट इज अ ट्रू स्टोरी अबाउट ए गर्ल स्टार। व्हाट इज गर्ल स्टार? गर्ल स्टार इज अ प्रोजेक्ट व्हिच टेल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेल्स ऑफ ऑर्डिनरी गर्ल्स हु हैव चेंज्ड देयर लाइफ बाय गोइंग टू स्कूल। ये भी एक सवाल हो सकता है। ये जो सूर्यमणि गर्ल है ना, वो झारखंड एक ट्राइबल कम्युनिटी का है, जिसे हम बोलते हैं कुड़ुक कम्युनिटी, झारखंड के
इसके बारे में एक सवाल जरूर आता है। इसके बाद हम देखेंगे झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में भी सूर्यमणि जी ने हिस्सा लिया है। हम सब जानते हैं देयर शुड बी डिबेट ऑन नीड एंड ऑल्सो द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द बिल्डिंग ऑफ बिग डैम्स रोड माइनिंग प्रोजेक्ट्स। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू डिस्कस एंड अंडरस्टैंड दैट ऑल दिस ड्रॉइंग आउट वाटर पेट्रोल डिगिंग ऑफ मिनरल्स फ्रॉम अंडर द ग्राउंड आवर कमर्शियल फिशिंग फ्रॉम द सीज आर एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग आवर कॉमन रिसोर्स। हम सब जानते हैं कि हम सब डैम निर्माण करने के लिए रोड निर्माण करने के लिए और नेचुरल रिसोर्स को अर्थ से निकालने के लिए बहुत सारे जंगल को काट रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, इसके बारे में भी एक सवाल हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे टोरांग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज टोरांग्स? ना टोरांग्स का मतलब होता है जंगल, ये कुडुक लैंग्वेज में टोरांग बोला जाता है जंगल को। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। यहाँ पर एक सवाल है टीन, थ्री टीन का मतलब क्या होता है? थ्री टीन लैंड का मतलब क्या होता है? ना द लैंड ऑन व्हिच वी ग्रो वन टीन ऑफ सीड इज कॉल्ड वन टीन ऑफ लैंड। जिस लैंड में हम वन टीन का सीड से प्रोडक्शन करते हैं वहां से हम फसल उगाते हैं उसी लैंड को हम कहते हैं वन टीन। यह कहां पर लैंड को मापने की यूनिट इस्तेमाल होता है? यहाँ मिजोरम के राज्य में, ये मिजोरम में होता है जो कि लॉटरी सिस्टम में लैंड डिस्ट्रीब्यूट होता है साधारण लोगों को। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना होगा। इसके बाद आता है झूम फार्मिंग के बारे में। हम सब जानते हैं झूम फार्मिंग क्या होता है ना, एक पैच ऑफ लैंड होता है उसे कटिंग करते हैं, इसके बाद उसको आग लगा देते हैं, इसके बाद वहां पर फसल उगाते हैं। एक बार फसल उगने के बाद दूसरे जगह जाते हैं फिर से उस तरह से वो झूम फार्मिंग करते हैं, उसे हम स्लैश बर्निंग भी कहते हैं। ये भी एक सवाल हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे डाइजेशन, जो हमारे डाइजेशन है उसके बारे में किस डॉक्टर जी ने वो बात पहले बताई थी, उनका नाम है डॉक्टर ब्यूमोंट, जिसने डाइजेशन के बारे में पहले एक्सपेरिमेंट किया था। अभी हमने कुछ इंपॉर्टेंट ईवीएस सीटेट पेपर वन के बारे में बात की है। आगे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे एनवायरमेंट को बचाने के लिए कुछ एक्ट बनाए गए हैं। यह एक्ट का नाम क्या है और ये कब बनाया गया था, इसके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। ভিডিওটা যদি পছন্দ লাগে লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।